फिर दूसरा मुद्दा है दिल्ली में जिस तरह लगातार चर्चा हो रही है, आपने भी सवाल उठाया, जो यमुना में पानी आया उसे लेकर कल मीनाक्षी लेखी ने एक बड़ा उस पर बयान दिया। उन्होंने कहा कि बीते 2 साल में जो फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट की बैठक होती है जिसे सीएम हेड करते हैं, बाढ़ को लेकर उसकी कोई मीटिंग नहीं हुई और इतना पानी तो हमेशा छोड़ा जाता रहा है। हेमंता विश्व शर्मा का बयान है कि देखिए, अरुणाचल के ये भोटान से भाजपाई पानी उठा जितने है। भी हैं, जितने जितने लोगों को वोट दिया है दिल्ली की जनता ने, सातों सांसदों से हिसाब मांगना चाहिए। और मैं तो बहुत हैरान हूं कि दिल्ली को डुबाने के पक्ष में मीनाक्षी लेखी जी खड़ी हैं। सारे के सारे सांसद अपने मुंह पे पट्टी बांध के बैठे हुए हैं। हमने तो प्रमाण सहित बताया ना कि 9 से 13 तारीख तक ईस्टर्न और वेस्टर्न कैनाल में जानबूझकर पानी नहीं छोड़ा गया। 6 दिनों तक दिल्ली में बारिश नहीं हुई, बावजूद इसके एक तरफा दिल्ली में पानी छोड़कर गहरी साजिश के तहत केंद्र सरकार, मोदी सरकार और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिल्ली को डुबाया। ये तो मैं पूरी जिम्मेदारी और आंकड़ों के साथ कह रहा हूं, लॉकशीट चेक कर लीजिए। और जब हमने ये मुद्दा उठाया, उसके बाद ईस्टर्न कैनाल में भी पानी चला गया और वेस्टर्न कैनाल में भी चला गया। कैसे चला गया भाई, कैसे चला गया? जब हम लोगों ने विषय उठाया, अब आप देखिए लगातार जलस्तर नीचे जा रहा है। कैसे जा रहा है? तो ये सवाल है कि आप लोगों ने दिल्ली से दुश्मनी ठान रखी है, दिल्ली को बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। अरे भाई, तीनों दिशाओं में अगर पानी आप डालते तो निश्चित रूप से न उत्तर प्रदेश का नुकसान होता, ना हरियाणा का होता, ना दिल्ली का होता। लेकिन अपनी राजनीतिक दुर्भावना के कारण आपने मन में ठान लिया कि सारा पानी दिल्ली की तरफ छोड़ दो, भले ही दिल्ली डूब जाए, भले ही दिल्ली बर्बाद हो जाए। और सातों के सातों सांसद इस काम में खड़े हैं अपनी पार्टी के साथ। उनके लिए पार्टी महत्वपूर्ण है, दिल्ली के 2 करोड़ लोग महत्वपूर्ण नहीं है। क्यों नहीं सवाल पूछते ये लोग कि 9 से 13 तारीख तक एक तरफा पानी क्यों छोड़ा गया? इस पर कौन सवाल पूछेगा?